तो भाई लोग अभी हमने जो 64 मेगापिक्सल से फोटो खींचा है ना भाई, पता हो कितने एमबी का है? 10, 5, 15 एमबी का नहीं, पूरे का पूरा 26 एमबी का। बाप रे बाप, देखो आसपास तो दिख नहीं रहा सही से, लेकिन चेहरा कैरेक्टर एकदम गजब का हाईलाइट दिख रहा है, कितना तगड़ा दिख रहा है। और भाई लोग देखो इसमें अभी देखते हैं हम लोग ना स्लो मोशन कैसा दिखता है यार। दोस्तों पीछे वाला जो इसका कैमरा है ना, ये वाला इसका 64 मेगापिक्सल है, और आगे वाला जो है। मेरे प्यारे भाई और बहन, स्वागत आप सभी का एक नए ब्लॉग में। दोस्तों कैसे आप सभी लोग, उम्मीद है दोस्तों आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो भाई लोग अभी देखो सुबह के बज रहे हैं 10, और इस समय इतनी तगड़ी ठंड है भाई, देखो चारों तरफ कोहरा ही कोहरा यार, कसम से बहुत बुरा ठंड पड़ रहा है यार। इसीलिए दोस्तों मैंने देखो अपना कान वन सब ढक लिया एकदम, भाई लोग ठंड से पूरा का पूरा बचना ही पड़ेगा, वरना बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा यार, क्योंकि हाथ वाथ सब ठंड से ऐसे कड़क रहे, मतलब बहुत तगड़ा ठंड पड़ रहा है यार। और दोस्तों देखो हमने कल कोई भी ब्लॉग नहीं अपलोड किया था दोस्तों, देखो रीजन है कि कल हमारे फोन में चार्ज नहीं था, दिन में लाइट ही नहीं आया दोस्तों, इस वजह से मतलब फोन में चार्ज ही नहीं था। और हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स भाई आ गए थे तो उनको भी टाइम देना जरूरी है ना, इसलिए दोस्तों मैं कल कोई भी ब्लॉग नहीं रिकॉर्ड कर पाया। हालांकि दोस्तों मैंने एक ब्लॉग रिकॉर्ड किया था अपने सेकंड चैनल के लिए, अगर आप लोगों ने वो ब्लॉग नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, प्लीज भाई लोग जरूर देख लीजिएगा यार। हमारा जो सेकंड चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन हो चुका है, उसी का हम वीडियो बनाए थे, तो प्लीज भाई लोग आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा यार। और देखो भाई लोग अभी मेरे को बहुत ही जोर की भूख लगी है, अभी तक हमने कोई भी मतलब मील नहीं लिया, मतलब खाना नहीं खाया है, तो अभी हम क्या करते हैं, चलते हैं खाना खाने। और इधर देखो दोस्तों हमारी मम्मी और यहाँ पर भांजे हैं, देखो अलाव सेक रही, आग सेक रही, ठंडी बहुत है ना अम्मा। क्या बना अम्मा? सब्जी भात। सब्जी भात, तो अभी हम सब्जी भात खा लेते हैं भाई। दोस्तों हमारा आलू मटर का सब्जी और ये रहा चावल। और भाई लोग इसमें गर्मा गर्म ना मिले खाना ना भाई, तो खाने का कुछ मजा ही नहीं मिलता यार। और यहाँ पर देखो भाई अलाव जल रहा, आग जल रहा है, यहीं पर हम खा रहे हैं भाई, इसमें बहुत तगड़ी ठंड है कसम से। तो दोस्तों अभी देखो दोपहर के 2 बज रहे हैं और हमारे पास देखो विजय भी आ चुका है। हेलो दोस्तों। और दोस्तों इस समय इतनी प्यारी सी धूप निकली है ना, कसम से क्या बोले यार। देखो भाई लोग लगभग 2 हफ्ते के अंदर ये दूसरा ऐसा दिन है जिस दिन मतलब धूप निकला है, और इस समय देखो कितनी प्यारी सी हरियाली, सरसों का पेड़ कितना गजब का दिख रहा है यार, इतना औसम लुक, कसम से मजा आ गया यार। भाई लोग धूप में जो मजा है ना, इस समय ठंड में जो धूप में मजा मिलता है ना भाई, कहीं पर भी नहीं मिलता, कसम से बहुत मजा आ रहा है यार, कसम से भाई लोग इतना गजब लग रहा है यार। भाई लोग देखो एकदम फ्रेश फ्रेश हो गए हम लोग। और भाई लोग देखो हमने एक फोन देखा है ना, हम लोग वहीं पर जाने वाले हैं, कसम से वो फोन बहुत ही मस्त है यार। विजय चले यार उस फोन के लिए? हाँ भाई चलो चलते हैं। चलो भाई लोग अभी हम चलते हैं उस फोन के लिए, आप लोगों को भी दिखाएंगे, बहुत गजब का फोन है, चलो अभी चलते हैं। चलो चलते हैं। क्या कर रही है ये, क्या हो गया तेरे को, कौन सी लो ना रही? तो दोस्तों अभी देखो हम इस, तो दोस्तों अभी हम लोग सीधा यही फोन के पास पहुंच चुके हैं, ये रहे वो भैया जिनका फोन है। और दोस्तों यही फोन हम लोगों का लेने का प्लान बन रहा है, भैया ने कहा है कि ब्लॉगिंग के लिए ये फोन एकदम परफेक्ट है, इसमें कैमरा के बहुत ही तगड़े तगड़े फीचर्स दिए गए हैं सच में दोस्तों। ये 32 मेगापिक्सल है, सच में दोस्तों मेरे को ये फोन बहुत ही ज्यादा पसंद आया, क्योंकि दोस्तों इस फोन की खासियत, कैमरे की खासियत, मतलब ब्लॉगिंग के लिए अलग अलग फीचर्स में दिए गए हैं यार, एक्स्ट्रा फीचर्स दिए गए हैं, तो मैं एक एक करके आप सभी को दिखाऊंगा, आप लोग बताइएगा कमेंट में ये फोन कैसा लगा आप लोगों को। और दोस्तों हो सकता है आप में से काफी सारे लोग यूज किए होंगे तो उनको तो पता ही होगा कि ये फोन कैसा है। और दोस्तों मैं जिनसे ये फोन मांग के लाया हूँ ना, उनको जल्द से जल्द ले जाकर फोन भी देना है, तो मैं जल्दी जल्दी करके इस फोन के जितने भी फीचर्स है मतलब कैमरा से रिलेटेड मैं फीचर्स दिखाऊंगा आप लोगों को, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा यार, क्योंकि दोस्तों ये मतलब मेरे का ऐसा फर्स्ट टाइम होगा जो मैं इतना महंगा फोन, बहुत महंगा यार, मतलब प्लान बन रहा है लेने का, लेकिन फिर भी देखेंगे यार, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा तो जरूर ले लेंगे। तो अभी मैं एक एक करके इसके फीचर्स दिखाता हूँ, इसके कैमरे के फीचर्स, तो आप लोग बताना कमेंट में कैसा है। तो भाई लोग सबसे पहले मैं इस फोन के 64 मेगापिक्सल वाले कैमरे से अपना एक फोटो खींचने जा रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं दोस्तों फोटो की क्वालिटी कैसी रहती है और कितना इसका बड़ा साइज रहता है, यानी कि कितने एमबी का रहता है। तो अभी मैं दोस्तों अपना एक फोटो खींचता हूँ, ये मैंने एक फोटो खींच दिया अपना, अभी देखते हैं कितना ज्यादा एमबी का होगा। तो भाई लोग अभी हमने जो 64 मेगापिक्सल से फोटो खींचा है ना भाई, पता हो कितने एमबी का है? 10, 5, 15 एमबी का नहीं, पूरे का पूरा 26 एमबी का। बाप रे बाप, मैंने अपनी जिंदगी में अगर अपने इस फोन में देखा है, मतलब इस फोन से जिस फोन से रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, उस फोन में मेरे कम से कम 10 या 8 के आसपास एमबी हाईएस्ट क्वालिटी का कोई फोटो रहा होगा ना, तो लगभग 10 एमबी का, बस उससे ज्यादा नहीं, वो भी मतलब किसी प्रकार के ऐप से एडिटिंग करने के बाद। लेकिन भाई लोग इस फोन में 64 मेगापिक्सल से अगर हम अपना कोई फोटो खींच रहे हैं तो भाई 26 एमबी का फोटो आ जा रहा है यार। तो दोस्तों अभी मैं जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये इसी फोन से है, वीवो V25 Pro से ही। और भाई लोग इस समय मैं 4K की क्वालिटी में 60 FPS में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ,
रहा हूँ। तो भाई लोग आप लोग बताना यार किस वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी। और भाई लोग हर एक फोन में 4K की क्वालिटी प्लस 60 FPS नहीं होता यार, तो भाई लोग आप लोग बताना इस समय वीडियो की क्वालिटी कैसी लग रही है। और दोस्तों ये जो अभी वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है इसी फोन से रिकॉर्ड हो रहा है, तो भाई लोग ये भी बताना आप लोग की इसकी वॉइस कैसी है। तो भाई लोग देखो अभी इस फोन के कैमरा का अगला फीचर भाई कितना तगड़ा दिख रहा है यार, जैसे लग रहा है ना कि हम लोग देखो वीडियो कॉल बात कर रहे हैं। इधर देखो विजय है और इधर मैं वीडियो कॉल बात कर रहा हूँ, देखो कितना तगड़ा लग रहा है। और भाई ब्लॉगिंग के लिए तो भाई एकदम मस्त यार, कसम से देखो कितना तगड़ा लग रहा है। आगे भी दिखाओ पीछे भी दिखाओ, भाई लोग कसम से देखो इतना तगड़ा दिख रहा है। इधर चारों तरफ मैं लुक दिखा रहा हूँ आप लोगों को कसम से। दोस्तों इसमें बहुत सारे फीचर्स है, मैं ना एक एक करके बताऊंगा आप लोगों को ना तो रात हो जाएगा। और भाई लोग अभी मैं आपसे भी को अगला फीचर दिखाता हूँ कि अगर मैं दौड़ कर चलूंगा ना तो कितना हिले डुलेगा, कितना स्टेबिलिटी रहेगी इसमें, देखता हूँ कैसा रहेगा। तो भाई लोग अभी देखो मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो वीवो V25 Pro से ही कर रहा हूँ, और इसकी स्टेबिलिटी आप लोगों ने देखा ना कितना लाजवाब तगड़ा, बोले तो झक्कास है। और भाई लोग अभी इसके अगले फीचर्स की बात करते हैं। और दोस्तों इसके अगले फीचर्स की जो बात करने वाले हैं ना वो शायद कैमरे में ही केवल पाया जाता है, हो सकता है और भी महंगे महंगे फोन में पाया जाता होगा। वो फीचर्स ये दोस्तों कैमरे का ना वो ब्लर कर देता है, मतलब जो कैरेक्टर दिखेगा ना उसके आसपास ब्लर रहेगा, तभी मैं आप सभी को दिखाता हूँ। तो भाई लोग देखो ये रहा वीवो V25 Pro का कैमरे का ब्लर फीचर, देखो आसपास मतलब दिख नहीं रहा सही से, लेकिन चेहरा कैरेक्टर एकदम गजब का हाईलाइट दिख रहा है यार, कितना तगड़ा लग रहा है। विजय अच्छा लग रहा है? सच में बहुत अच्छा लग रहा है। इसका देखो ब्लर फीचर कितना तगड़ा दिख रहा है, ऐसा तो केवल कैमरा वगैरह में ही पाया जाता है। भाई लोग बताना ये वाला फीचर कैसा लगा आप लोगों को। तो दोस्तों अभी तक हमने एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी थी इसमें दोस्तों, एक तगड़ा वाला फीचर जो कि दोस्तों HDR के नाम से जाना जाता है, अगर उसको हम ऑन कर देंगे तो वीडियो की क्वालिटी और भी तगड़ी दिखने लगेगी, जिसको हमने अभी तक ऑन नहीं किया था, जो कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अभी तक जो कुछ भी आपने वीडियो की क्वालिटी देखी थी ना वो बिना HDR का था, वो विदाउट HDR का था। अभी हमने HDR ऑप्शन जो था ना उसको ऑन कर लिया है। अभी देखो आप लोगों को पहले से काफी ज्यादा मतलब क्वालिटी बूस्ट दिख रही होगी। और भाई लोग देखो इसमें अभी देखते हैं हम लोग ना स्लो मोशन कैसा दिखता है यार। तो भाई लोग देखो अभी ये जिनका फोन है ना उनको देने भी जाना है, वरना दोस्तों मैं आप सभी को बहुत ही तगड़े तगड़े इसमें से फीचर्स दिखाता, आप लोगों को जरूर पसंद आता। वैसे दोस्तों ये फोन मेरे को लेना है सच में यार। और भाई लोग देखो अभी देरी नहीं करते हैं, जिनका फोन है उनको दे आते हैं, क्योंकि दोस्तों उनके बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, हो सकता है बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो इसलिए दोस्तों मैं आप सभी को कुछ और कैसे दिखाऊं यार, क्योंकि दोस्तों अभी उनको फोन ये देने जाना है ना। तो भाई लोग अभी देरी नहीं करते हैं, चलते उनको फोन दे आते हैं, उसके बाद मैं आप सभी से बात करता हूँ। तो भाई लोग अभी हम लोग देखो भैया के पास पहुंच चुके हैं। ये रे भैया जिनका फोन है। अच्छा भैया कितने में खरीदे हो? 36,000। कैश लिए थे? कैश। अगर वैसे लेंगे मतलब लोन वगैरह जैसे तो कितना लग जाएगा? जो भी EMI बनता होगा उसी हिसाब से लगभग लगभग 5,000। और दोस्तों अभी देखो यहाँ पर सारा का सारा वीडियो ट्रांसफर हो रहा है, ये रहा भैया का फोन और ये रहा विजय के फोन में ही हम सब कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे फोन में उतना स्टोरेज ही नहीं है। तो भाई लोग अभी हम अपने घर पर आ चुके हैं और अभी देखो काफी ज्यादा रात हो चुका है और ठंड वंड भाई जैसे ही रात होता है भाई ठंड बढ़ जाता है, दिन में धूप था इसलिए दोस्तों काफी कम हो गया था ठंड। और भाई लोग देखो मैं दिन में कुछ भी नहीं रिकॉर्ड कर पाया था, क्योंकि जब उनके यहाँ से मैं आया था ना तो लगभग 5:30 या फिर 6 बज गए थे, और दोस्तों हमारे यहाँ लगभग 5:30-6 बजे के आसपास एकदम अंधेरा हो जाता है और लाइट था नहीं, इसलिए दोस्तों मैं कुछ भी नहीं रिकॉर्ड कर पाया। और दोस्तों जो मैं फोन लाया था वीवो V25 Pro 5G का फोन है वो नया वाला मतलब, और 8GB रैम 128GB स्टोरेज है उसमें। दोस्तों वो फोन मेरे को तो काफी ज्यादा अच्छा लगा, और भाई लोग जब उस फोन का हमने अपने मम्मी पापा को दिखाया तो उनको भी काफी हद तक सही लगा, मगर दोस्तों प्राइस का जब झमेला शुरू हुआ कि 36,000 का फोन है ना, तो मतलब उनके चेहरे से ऐसा भाव झलकने लगा कि इतना महंगा फोन मत लो। मेरे को समझ नहीं आ रहा दोस्तों वो फोन लूं कि ना लूं, क्योंकि यार फोन सच में बहुत ही ज्यादा महंगा है। कसम से हमारे आसपास पड़ोसी मतलब हमारे खानदान में आज तक किसी ने 6GB रैम का फोन नहीं यूज किया है, और भाई मैं जो फोन लेने की बात कर रहा हूँ 8GB रैम है भाई मेरा ये जो फोन है 3GB रैम का, 3GB रैम से मतलब यार 8GB रैम पर ट्रांसफर हो रहा हूँ। और घर वालों को थोड़ा थोड़ा अजीब लग रहा है कि इतना महंगा फोन खरीद रहे हो, मतलब थोड़ा थोड़ा समझ रहे ना आप लोग। और दोस्तों सच बताओ तो मेरे घर में आज तक किसी ने 4GB रैम का फोन नहीं यूज किया, मेरा जो छोटा भाई है 2GB रैम का फोन यूज करता है, और मेरे पिताजी वो भी 2GB रैम का फोन यूज करते हैं, मैं ही हूँ अकेला दोस्तों जो 3GB रैम का फोन यूज करता हूँ।
वो फोन मेरे को अच्छा लगा। बाकी आप लोग बताइए दोस्तों, आप लोगों को वो फोन कैसा लगा? उसमें बहुत तगड़े तगड़े फीचर्स है। अगर मैं आप सभी को पूरा का पूरा फीचर दिखाता ना तो भाई वीडियो 2-3 घंटा का हो जाता, मतलब बहुत बड़ा हो जाता यार। मेरे को पता ही नहीं था भाई इसमें क्या क्या फीचर है। उनसे मैंने थोड़ा बहुत पूछा था जो कुछ भी, और भूल भी गया था, और थोड़ा बहुत बताया भी था आप सभी को। तो आप लोग बताना दोस्तों वो फोन कैसा है। और अगर आप सभी के मन में कोई उससे भी अच्छा फोन है लगभग 8 GB रैम के अंदर जो हो जाए, मतलब महंगा यार थोड़ा सा, मतलब लोचा है पैसा का यार, अभी देखो खरीद सकते हैं, मगर यार घर का हालत भी तो देखना जरूरी है भाई। अपना ही थोड़ा ना सोच सकता हूँ सब कुछ यार, कि मैं ही चलो मैं अपने लिए फोन खरीद लूँ, गाड़ी खरीद लूँ, ये खरीद लूँ, वो खरीद लूँ, कपड़ा खरीद लूँ, नए नए सब कुछ चश्मा खरीद लूँ। भाई अपने बारे में ही थोड़ा ना सब कुछ सोचूंगा यार, घर वालों को भी तो सोचना यार। अभी घर वालों को दोस्तों मेरे ऊपर ऐसा उम्मीद बन गया ना भाई कि मतलब मैं कुछ कर सकता हूँ घर वालों के लिए। भाई जो हमारा घर है ना 30-40 साल पुराना है, और आसपास पड़ोसी सबका नया नया घर बन गया, तो अभी सोच सकते हो यार, मतलब सबसे पहले जरूरी है भाई घर बनाना, मगर अभी औकात से बाहर में सोच रहा हूँ। मगर आप सभी का प्यार और सपोर्ट रहेगा तो जरूर कर सकते हैं यार, इतनी बड़ी बात नहीं है। आप सभी का प्यार और सपोर्ट रहेगा ना तो जरूर कर सकते हैं। तो बस भाई लोग देखो आज के इस ब्लॉग में इतना ही। आप सभी को कुछ भी पसंद आया होगा तो प्लीज भाई लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और प्लीज भाई लोग आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये फोन अच्छा है कि नहीं, या फिर दूसरा फोन मुझे कोई लेना चाहिए, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा यार। और दोस्तों हमारा एक सेकंड चैनल है जिस पर 10K की टू फैमिली कंप्लीट होने वाली है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, तो प्लीज भाई लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए ना यार। तो चलिए भाई लोग आप लोगों से मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में। आप लोग मस्त रहो, खा पियो, ऐश करो, बाय बाय।